थोड़ा अपना व्यू भी दिखाता हूँ। मैं हुमायूं टॉम की ओर जा रहा हूँ। दिल्ली का रोड है, माया रिक्शा है। हुमायूं टॉम बहुत अच्छा लगेगा। बहुत साल पुराना है, या 1500 शताब्दी में शायद बना। इतना भीड़ इलाका है, गाड़ियों का कोई कमी नहीं है। इसमें फायर रिक्शे में थोड़ा अजीब होता है। इतना भीड़ भाड़ इलाका है। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो को शेयर करता हूँ। थैंक यू बहुत से डिजिटल फ्यूचर सर, प्लीज सब्सक्राइब। ये हुमायूं टॉम के बिल्कुल फ्रंट व्यू है। हम आ चुके हैं, अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत स्टूडेंट्स, पूरा स्टूडेंट्स आया हुआ है। काफी टूरिस्ट आ जाते हैं इधर। अच्छा व्यू है, ग्रीन भी है, पूरा पेड़ से घिरा हुआ है। अबे आगे टिकट घर है, उसका अंदर जाके देखेंगे क्या क्या है इसमें। पूरा स्टूडेंट आया हुआ। पूरा स्कूल से विजिट करने आया है। इधर कुछ लिखा हुआ था, अभी धीरे धीरे मिट गया। इसका कुछ टाइमिंग लिखा था लेकिन अभी मिटा दिया गया, कोई बात नहीं। आगे चलते टिकट की ओर। इधर दोनों है, ये फॉरेनर्स के लिए टिकट है और ये इंडियंस के लिए। कितना रुपया है टिकट का? 40 रुपये। ये लीजिए। इसका कोई टाइमिंग है क्या सर? सनसेट तक ना? हाँ, इसका टाइमिंग सनसेट तक है। मोबाइल वगैरह एलो है ना? मोबाइल वगैरह सब एलो है। यार मोबाइल एलो है ना? डन। ओके, वाह वाह वाह, थैंक यू। वाह क्या सिस्टम है। ओके ओके, थैंक यू। इधर वीडियो बनाना मना है। ये फर्स्ट व्यू है। चारों और दिखाएंगे। काफ़ी सब ये जो घास वगैरह भी बहुत बढ़िया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। 40 रुपया टिकट है अपना, इंडियन के लिए अलग,
फॉरेनर्स के लिए अलग है। ये कुछ हिस्ट्री लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसमें। बहुत बढ़िया, ये हुमायूं का मकबरा स्थल संग्रहालय का शिलान्यास डॉक्टर महेश शर्मा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा मंगलवार 7 अप्रैल 2015 को इस फाइनेंस दिया गया का के विनीत अवस्थिति में संपन्न हुआ। द फाउंडेशन ईस्टर्न हुमायूं टॉम साइट म्यूजियम वॉज लेड ऑन ट्यूजडे 7 अप्रैल 2015 बाय डॉक्टर महेश शर्मा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ हिज हाइनेस द आगा खान। ओके, ईशा खान टॉम, इसका हिस्ट्री दिया हुआ है, थोड़ा क्लियर दिखा रहा हूँ मैं, पढ़ लीजिएगा, थैंक यू। आगे चलते हैं, एक सीढ़ी है, पुराना दरवाज़ा, काफ़ी 1500 शताब्दी में बना हुआ, तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है। इसका डिज़ाइन देखिए, मुगल का टाइम का है, हुमायूं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या डिज़ाइन, उस टाइम का पत्थर का डिज़ाइन देखिए, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन लोहा है अभी भी लकड़ी के अंदर। इसमें ज़्यादा दूर नहीं है, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन में आएंगे, आने के बाद ये ज़्यादा दूरी पर नहीं है। ये है मेन, ये बन रहा है, ये अभी रिनोवेट हो रहा है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है इसका। ये गेट है, ये लग रहा नया बना हुआ है। ये पूरा व्यू है, अच्छा लगता है। उस टाइम का आज से कम 700-800 साल पुराना ये मकबरा है। अभी भी इसका कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा स्टोन लगाया था इन लोग। मुगल का टाइम का हर चीज बहुत मजबूती से बनाया गया। इसमें सिक्योरिटी गार्ड भी लगाया हुआ है, हर जगह पे सिक्योरिटी गार्ड है। कितना पुराना है, ये अंदर जा सकता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, आगे आगे से ना। हर चीज पुराना हो चुका है अभी, लेकिन इतना मजबूती देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुगल्स ने जो इंडिया में क्रिएट किया, काफ़ी अच्छा और देखने लायक है। देखिए कितना सुंदर है, अभी थोड़ा बहुत रिनोवेशन हो रहा है इसमें,
तो रिनोवेशन होंगे तभी तो आगे और सालों सालों तक ऐसा ही रहेंगे, जिसमें टूरिज्म में पैसा आएंगे। एक टिकट का 40 रुपया कीमत है। इसका अंदर का ये हॉल है, इसमें कब्र जैसा लग रहा है, पता नहीं क्या है इसके अंदर। और ऊपर जो बिल्कुल अरबिक में है उस टाइम का, बिल्कुल टॉप में है ये, पूरा अरबिक से बिल्कुल उस टाइम पे कितना अच्छा डिज़ाइन किया है। इसमें हर दरवाजे पे अरबिक लिखा हुआ है। बहुत सुंदर है। खूबसूरत नज़ारा है। ये पूरा चेन है उस टाइम का। चलिए, बहुत अच्छा है।